पद यारा जे यारा अखां तां पर ले वक्त हो जाना। नमस्ते दोस्तों, तो आपने जो अभी प्रीव्यू में वीडियो देखा कुछ इस प्रकार का एडिटिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना जिससे आपका ही फायदा है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आपको सिखा देते हैं। तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए पिक के इस वाले लोकेशन पे आ जाना है और इस तरह से भाग के आ जाना है, और आकर आपके पास जो भी इमोट है अच्छा वाला उस इमोट को यहाँ पे प्ले कर देना है, और उस इमोट को आप यहाँ पे पूरा प्ले कर देना है, और इतना आपको रिकॉर्डिंग कर लेना। और उसके बाद आपको एडिटिंग करने के लिए किसी भी वीपीएन को कनेक्ट करके सिंपल कैपकट के अंदर आ जाना है एंड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जो वीडियो हमने अभी वहाँ पे शूट किया है सिंपली इसी वीडियो को यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ उसी वीडियो को। तो हमने सिंपली इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है एंड उसके बाद आप एक्सेप्ट रेडियो पे जाना एंड इसका रेशियो 9:60 रख देना, और इसको आप जूम करके बड़ा कर लेना। इस तरह से आप जूम करके बड़ा कर लेना और इसको छोड़ देना, और हमारा वीडियो कुछ अभी इस प्रकार का बन चुका है। तो जहाँ से हमारा इमोट मार रहा है, तो जहाँ से देख सकते हो हमारा जो मेढक वाला इमोट यहाँ दो बार मारा है, तो हम पहला का जो सीन को यहाँ थोड़ा सा डिलीट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली आप स्प्लिट मार देना जहाँ से स्प्लिट एंड जहाँ से इमोट दूसरा वाला इमोट आ रहा है सिंपली यहाँ पे रहने देना एंड यहाँ पे एक स्प्लिट मार देना और इसको आप डिलीट कर देना। तो उसके बाद जहाँ से हमारा जो इमोट मार रहा है और इस तरह से हमारा जो इमोट मार रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेना है। देन तो इमोट जहाँ से हमारा जो मेंढक में बैठ चुका है और जहाँ से उछल के फिर से बैठ रहा है, आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो आपको सिंपली स्क्रीनशॉट कर लेना है, और स्क्रीनशॉट करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्प्लिट कर देना है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके इसको फ्रीज कर देना है। तो इसको फ्रीज करने से आपका यहाँ पर एक दूसरा जो लेयर हो बन जाएगा, तो देख सकते हो, और उसका पीछे का हिस्से को आप डिलीट कर देना है। तो इतना काम हो जाने के बाद आपको वहाँ से बैक आ जाना है एंड बैक आकर आपको प्ले स्टोर से फोटो लैब को डाउनलोड कर लेना है, और इसका प्रीमियर वर्जन अगर खरीदते हो या गूगल से डाउनलोड करते हो तो और भी बेटर है। और सिंपली इसको ओपन करना है एंड उसके बाद आपको एडिट फोटो के ऊपर चले जाना है एंड यहाँ पे हमें उसी स्क्रीनशॉट को ले लेना है। तो उसी स्क्रीनशॉट को लेके हमें यहाँ पे इसको जो क्रॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ सिंपली आप चले जाना क्रॉप पे, और क्रॉप में जाके यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना। इस तरह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसे इसे क्रॉप कर लेना, और इसका साइड को भी आप क्रॉप कर लेना। तो आप अच्छा से एडजस्ट करके इसको क्रॉप करना, और क्रॉप करके इसको यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल करना एंड फर्स्ट में आपको सेकंड नंबर में मिल जाएगा एआई फिल्टर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना, और इसके बाद आपको यहाँ पे सीन्स में आ जाना है एंड सीन्स में आके आपको यहाँ थर्ड नंबर में देखने को मिल जाएगा आउटग्रो। तो सिंपली आप आउटग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना और थोड़ी देर वेट करना, यहाँ पे थोड़ा सा आपका वक्त लगेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर लेना। सो देख सकते हो हमारा जो यहाँ पे इमेज बन चुका है, पहले इस तरह था बट अभी इस तरह से बन चुका है। और सिंपली अगर आप चाहते हो और भी यहाँ पे बहुत सारा फिल्टर है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट मैं यही रखूंगा। और उसके बाद ऊपर में आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से टिक कर देना है, तो टिक करके आपको यहाँ सेव कर लेना है एंड वहाँ से बैक आके फिर से आपको कैपकट में चले जाना है एंड हमारा उसी प्रोजेक्ट में आपको आ जाना है। और जहाँ से हमारा यहाँ देख सकते हो, जहाँ से हमारा जो यहाँ पर वीडियो फ्रीज है, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ से आप इसको जो रिप्लेस कर देना, तो रिप्लेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है और इसी इमेज को ले लेना है। तो देख सकते हो ए वाला इमेज है, और इसको जितना इसका जूम है इतना ही रहने देना। उसके बाद आपको सिंपली वीडियो इफेक्ट में के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च बार में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है हेलो ब्लर। तो जैसे ये हेलो ब्लर सर्च करते हो, आपको फर्स्ट नंबर में एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा हेलो ब्लर। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसको यहाँ से आप टिक कर लेना है, और टिक करके आपको यहाँ तक इसको रख देना है, जहाँ तक ये है यहाँ तक इसको रख देना है एंड इसके ऊपर फिर से एक बार क्लिक करना है एंड एडजस्ट में चले जाना है एंड इसका आप स्पीड 25 कर देना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर लेना। इसका स्पीड आप 25 या 26 कर लेना, और इसका इंटरसिटी आप यहाँ पे 68 कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ, और इसका इंटरसिटी आप 68 रख देना है, और इसको यहाँ से आप टिक कर देना है, और इसको यहाँ तक आपको फैला देना है। और देख सकते हो कि इस प्रकार का हमारा जो बन चुका है। देन इफेक्ट लगने के बाद फिर से आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है एंड लास्ट में आके हमें उसी इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको एनिमेशन में चले जाना है एंड एनिमेशन में जाके आपको रॉक वर्टिकल वाला एनिमेशन को दे देना है, और इसके स्पीड को आप थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, और इसको टिक कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक जो ओवरले को ऐड करना पड़ेगा, तो जो मैं यहाँ पे ओवरले ऐड करने वाला हूँ, मैं उसका लिंक जो टेलीग्राम के ग्रुप में दे दिया हूँ, सो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, और यहाँ से आप वो जो कांच टूटने वाला ओवरले है उसका कलेक्ट कर लेना और इसको यहाँ पे ऐड कर देना है।
और ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो जहाँ से हमारा कांच टूट रहा है तो जहाँ से हमारा इमेज है वहीं तक आप रखना एंड इसके बाद स्प्लिट मारना एंड इसका आगे का हिस्सा वो डिलीट कर देना। और जहाँ से हमारा जो इफेक्ट आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप ब्लाइंड में चले जाना एंड ब्लाइंड में जाकर आपको यहाँ पे फिल्टर को सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप अच्छे से एडजस्ट कर देना एंड इसके बाद फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से आप एडजस्ट पे चले जाना है। तो मैं दिखाता हूँ एडजस्ट पे या फिल्टर पे जाना है और यहाँ से आप इसको अच्छा से एडजस्ट करने हैं जिससे हमारा जो कांच अच्छा से दिखे। तो इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देना, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा डिक्रीज कर देना एंड सेचुरेशन को बढ़ाना है और शार्पनर को फुल कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है हाईलाइट में, हाईलाइट को भी आप थोड़ा सा बढ़ा देना है, हाईलाइट को आप 30 या 28 के अकॉर्डिंग रख देना है और इसके बाद आपको इसको इस तरह से बड़ा कर देना है, इतना बड़ा कर देना है वीडियो का अकॉर्डिंग। और इसको आप जहाँ से हमारा वीडियो यानी चेंज हो रहा है तो वहीं आप रहना देना और इस तरह से। तो देख सकते हो हमारा वीडियो अभी कुछ इस प्रकार का बन चुका है। तो पहले हमारा हो रहा है तो हम थोड़ा इसको पीछे कर देंगे। तो हमारा वीडियो अभी कुछ इस प्रकार का बन चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक ऐड करना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, सो आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लेना एंड ऑटो वाले के ऊपर क्लिक करना है एंड उसे साउंड को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये वाला है एंड इसको मैं यहाँ पे जो जाऊँगा और इसका मैं एक्स्ट्रा ऑडियो कर लूँगा जिससे हमारा जो बस हमें ऑडियो ही मिलेगा और बाकी का हिस्सा डिलीट कर दूँगा और इसका मैं ओवरले को डिलीट कर दूंगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड ओवरले के ऊपर क्लिक करके इसका मैं ओवरले डिलीट कर दूंगा और हमारा वीडियो लगभग बन चुका है। एंड उसके बाद आपको ऊपर में क्वालिटी में जाना है एंड इसका सब फुल कर देना है और फुल कर देने के बाद आपको इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अखाता पर नहीं दे तो हो जाना।